अभी कंफर्म करिएगा प्लीज़, वॉइस आ रही है? एक बार फिर से आपका वेलकम हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, एंड एज सम ऑफ यू माइट नो मी, ठीक है, आई एम हेयर टू टीच यू इंग्लिश, ओके? सो जिसने भी अभी तक ज्वाइन कर लिया, प्लीज़ एक बार कंफर्म करेंगे दैट माय ऑडियो एंड वीडियो इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर कन्फर्मेशन असीम. ओके, चलिए फिर आज का जो हमारा सेशन रहेगा, इसमें हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे और थोड़ा सा प्रैक्टिस की तरह भी करेंगे, और साथ में थोड़े से आइडिया दूंगा आपको कि किस तरीके से आपको, मतलब किस लेवल तक की तैयारी करके आपको जाना है, राइट? अब फिल इन द ब्लैंक भी दो टाइप के होते हैं. एक तो अगर आपको सिंपली वहाँ पे वन लाइनर, जिसको हम बोलते हैं कई बार, राइट, कि सिंपली आपको वन लाइनर की फॉर्म में वहाँ पे क्वेश्चन मिल सकता है एंड यू हैव टू जस्ट मार्क द आंसर, राइट? मैंने थोड़े से मिक्स क्वेश्चंस रखे हैं, आपको वन लाइनर भी मिलेंगे और टू टू थ्री आपको ब्लैंक्स भी मिलेंगे, बट उसमें जो लेवल है, मतलब वो भी अलग अलग रहता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लोज टेस्ट आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में, राइट? क्लोज टेस्ट में क्या होता है कि अराउंड आई कैन से 4 to 5 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, मतलब 4 to 5 ब्लैंक्स रहते हैं और वो आपको फिल करने होते हैं विद डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस. और इसी में दूसरा लेवल होता है जिसमें कि 2 to 3 ब्लैंक्स रहते हैं और कई बार उनको सेम ऑप्शन ही आपको सब में फिल करना होता है, या फिर सिमिलर ऑप्शंस, मतलब कि मान लो 3 ब्लैंक्स हैं, उन 3 ब्लैंक्स के ऑप्शंस जो रहेंगे, 3 ऑप्शन रहेंगे, मतलब हर ऑप्शन में 3 वर्ड्स रहेंगे, राइट? वर्ड नंबर 1, वर्ड नंबर 2, वर्ड नंबर 3, फिर वर्ड नंबर 1, वर्ड नंबर 2, वर्ड नंबर 3, राइट? तो ऐसे करके आपको क्वेश्चंस के लेवल मिलेंगे. अगर आपका बेसिक्स ठीक है, आपके आपका वोकैबुलरी पार्ट अच्छा है, तो आप इसमें डेफिनेटली अच्छा करेंगे, बिकॉज यहाँ पे वोकैबुलरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है, राइट? ओके, ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि आप ब्लैंक कर लोगे विदाउट नोइंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, और आपका प्रेपोजिशन अगर आपको नहीं पता है, ठीक है, फिक्स प्रेपोजिशन कुछ होते हैं, कुछ हमारे फिक्स वर्ड होते हैं जिनका, जैसे मैंने बोला पुट आउट, इसका क्या मतलब होता है, राइट? ओके, तो आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ इस चीज़ के बारे में कि किस किस लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम में. सो आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से करिएगा, राइट? चलिए नेक्स्ट अपने स्टार्ट करते हैं फिर हमारा ये आज का सेशन. ओके, बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा दैट फॉर PSPCL examination, राइट, वी डू हैव कम्प्लीट कोर्स जो कि आप चेकआउट कर सकते हो, एंड फॉर एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट एट दिस पर्टिकुलर नंबर 7837777, राइट, 3651. इसको लिख देता हूँ यहाँ पे 7837777351, राइट. आप इस पर्टिकुलर नंबर पे कॉन्टैक्ट करके जो भी फर्दर इन्फॉर्मेशन है यू कैन get that particular information. Okay, chaliye without wasting any further time, let us start with our today's session. This is your first question, right? Ab aapko karna kya hai, sabse pehle instructions ko padhiye, and after reading the instructions fir aapko question ko padhna hai. Ab aise questions mein aapko jahan pe multiple blanks honge, kabhi bhi aapko aisa nahi karna hai ki aapne kya kara, after a muted Onam Kerala woke up on Sunday to the reality of providing dash to humongous number. अब ये काम नहीं करना कि आपने इतना सा पार्ट पढ़ा थोड़ा सा और यहाँ पे इसका ब्लैंक ढूंढना स्टार्ट कर दिया, राइट? अब उससे बताता हूँ होगा क्या. आप ऑप्शंस पे आइए जरा, देखिए ऑप्शंस क्या क्या हैं. फर्स्ट ऑप्शन इज नॉन शैलेंस, हिंड्रेंस, सक, डेल्यूज, टोरेंट. बताइए, पहले आप ट्राई करिए, लेट मी चेक कि किसका आंसर सही आता है, फिर मैं आपको अपनी टेक्निक बताऊंगा कि जो एक रेलिवेंट टेक्निक जिसको हम बोल सकते हैं, राइट? बताइए इसको पहले. तो जो मेरा पर्सनल मानना है कि कभी भी आपको क्लोज टेस्ट आए या फिर मल्टीपल ब्लैंक्स हो, आपको उस सेंटेंस को या उस पैराग्राफ को कंप्लीट पढ़ना है विद इंक्लूडिंग ऑल द ब्लैंक्स, ठीक है? जैसे कि
After a muted Onam, Kerala woke up on Sunday to the reality of providing dash to the humongous number of stranded people and to the enormity of rehabilitation and restoration of normal life, right? According to Chief Minister Pinarayi Vijayan, who held a review of the dash and rehabilitation work on Sunday, 4,62,446 persons are still housed in 1435 dash camps. ठीक है, कैसे कैंप होंगे, क्या कैंप्स नॉन चैलेंज होंगे, हिंड्रेंस, कोई सेंस बन रहा है हिंड्रेंस का यहां पे, बताइए मुझे आप, क्या हिंड्रेंस वर्ड का कोई कैंप के साथ में लिंक है, कैसा मतलब होगा हिंड्रेंस कैंप्स? ओके, फिर डेल्यूज, टोरेंट और सकर, इसको हम सकर पढ़ते हैं, सकर, ट्राई करिए बताइए मुझे फटाफट से अपना आंसर, तभी मैं आपको अपना जो इस सबका एक्सप्लेनेशन है बता सकता हूं, राइट, ट्राई तो करिए कम से कम। गिव इट अ ट्राई, अब देखिए आप, सेकंड ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर ही दिया, राइट, बचे हमारे पास में चार ऑप्शंस, ओके, नॉन चैलेंज हो गया, सकर हो गया, डेल्यूज हो गया एंड टोरेंट हो गया, इज दैट क्लियर? अब नॉन चैलेंज जो है ये हमारा, इसका मीनिंग क्या होता है, कामनेस, ठीक है, सकर का मतलब होता है टू सपोर्ट समवन इन डिफिकल्टी, डेल्यूज का मतलब होता है फ्लड, सीवियर फ्लड, और टोरेंट का मतलब भी होता है सीवियर फ्लड डेल्यूज। ओके, अंशिका जी का आंसर आ चुका है, दैट इज डेल्यूज। अब देखिए आप, आपको मैंने मीनिंग बता दिया है डेल्यूज का, चेकआउट करिए कि क्या यहां पे फिट बैठेगा डेल्यूज, डेल्यूज का मतलब होता है सीवियर फ्लड, ओके, या कोई बड़ी बड़ी काफी ज्यादा मुसीबत, बड़े वाली मुसीबत, राइट, मतलब उसको फ्लड से कंपेयर करा गया, जैसे हम बोलते हैं कई बार कि मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, राइट, तो ऐसा तो है नहीं कि पहाड़ टूट पड़ा सच में आपके ऊपर, राइट, मतलब एक अबंडेंस में कोई चीज, स्पेशली कोई डिफिकल्टी से फेस करना है ना, दैट इज, तब हम उससे, इस केस में हम लोग ऐसी फ्रेजेस का यूज करते हैं। ओके, अब देखिए यहां पे, पहली बात तो देखो, जो भी आंसर करा आपने, देयर इज नो नीड टू, ठीक है, यहां पे कोई भी आपको जज नहीं कर रहा, आप अपना जो आंसर दोगे अगर वो गलत हो भी जाता है सो उससे आपको सीखने को मिलेगा, अगर आंसर नहीं दोगे जब मैं अपना आंसर दूंगा तो आप पता क्या बोलोगे कि मैं यही शायद सोच रहा था, वो तो एक गिल्ट वाला फील नहीं आता, राइट, ओके, और सीखोगे नहीं उस सिनेरियो में, फिर आप नाउ आप खुद फिल करो, मुझे बताइए, अब बताइए, मैंने सारे ऑप्शंस के मीनिंग बताए आपको, नाउ टेल मी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, अब तो बताइए, आई हैव टोल्ड यू ऑल द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स, ओके, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू गिव मी आंसर। असीम अंशिका प्लीज, अब बताइए आंसर, यू हैव द मीनिंग ऑफ ऑल दीज वर्ड्स, नॉन चैलेंज, हिंड्रेंस, सकर, डेल्यूज, टोरेंट। देखिए यहाँ पे जो फिट बैठेगा वर्ड, हमें यहाँ पे उनको हेल्प प्रोवाइड करवानी है, राइट, वी हैव टू प्रोवाइड हेल्प टू ऑल द पीपल हु हैव सफर्ड फ्रॉम द, जो भी कोई सिचुएशन है, राइट, हमें सिचुएशन का नहीं पता बट कोई दिक्कत तो है यहाँ पे, राइट, एक मिनट, ये क्या हो रहा है, चले, ऑप्शन सी, नहीं, ऑप्शन ए इन द फर्स्ट ब्लैंक, नहीं, रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, देयर इज अ कॉमन वर्ड जो इन तीनों ब्लैंक्स में फिल होगा प्रॉपर, एक ही वर्ड, आफ्टर अ म्यूटेड ओनम केरला वोक अप ऑन संडे,
टू द रियलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग सक, ठीक है, सक का मतलब प्रोवाइडिंग हेल्प, ओके, टू द ह्यूमंगस. अब ह्यूमंगस का मतलब कोई बता सकता है क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमंगस? हाँ, सकर आएगा सब में, गुड, ठीक है, ह्यूमंगस का. और स्टैंडर्ड पीपल, स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड होता है एक जगह पे फंसा हुआ, ओके. ह्यूमंगस का मतलब ह्यूज, एनॉर्मस, काफी ज्यादा नंबर में, राइट. एनॉर्मिटी, बता सकता है कोई एनॉर्मिटी? एनॉर्मिटी ऑफ द रिहेबिलिटेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मल लाइफ अकॉर्डिंग टू चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन हु हेल्ड अ रिव्यू ऑफ सकर, कि किस टाइप की हेल्प प्रोवाइड करवाई जा रही है. एंड रिहेबिलिटेशन वर्क ऑन संडे, कि इतने लोग, ठीक है, अराउंड 4.5 लाख पीपल, दे आर स्टिल हाउस्ड इन 1435 सकर कैंप्स, ठीक है, ओके, बात समझ आ रही है ना. चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टाइम लिमिटेड है हमारे पास में, अभी थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे. चलिए इसको फटाफट से रीड करिए एंड गिव मी द आंसर. आई एम जस्ट गिविंग यू 30 seconds. रीड इट फास्ट एंड गिव मी द आंसर. गुड, एनोमिटी होता है सीरियसनेस, ओके, गुड, फैंटेस्टिक. Arrested. Good. Anyone else? Zap का मतलब कोई बता सकता है मुझे? Zap. Zap से बना है, zapped. Anyone else? कोई खुशबू या फिर मीनू के साथ में कोई एग्री कर रहा है या कोई डिसएग्री कर रहा है? प्लीज टेल मी. कोई तो कॉम्पिटिशन दिखाओ. फोर फ्रेश recruits प्लानिंग टू एंटर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि जिसको हम बोलते हैं POK, for arms training were dash in the frontier district of Kupwara on Sunday. The four were dash after a brief gunfight, right, in the Kupwara district. Extreme restraint was exercised and restraint ka matlab koi bata sakta hai kya? Restraint. What is the meaning of this word restraint? Zapped ka matlab hota hai electrocuted. अब मुझे इलेक्ट्रोक्यूटेड का मतलब ही नहीं पता, टू बी ऑनेस्ट. हाँ, रोक लगाना, राइट. जैप का मतलब किसी को रोकना, ओके. चलिए अब, हाँ सॉरी, जैप नहीं, कंस्ट्रेंट का मतलब किसी को रोकना, सॉरी, ओके. हाँ, रिस्ट्रेंट, कंट्रोल, कंस्ट्रेंट और रिस्ट्रेंट सेम है, राइट. चलिए अब देखिए, यहां पे सरेंडर कर दिया उन्होंने, जो चार हमारे पास में क्या थे ये, मतलब जो भी जिनको बोलते हैं, अब जिनको क्या ही बोलेंगे, इनको टेररिस्ट ही बोलेंगे, राइट. अब जो चार टेररिस्ट हैं, उन्होंने क्या करा? सरेंडर कर दिया. अब सरेंडर कर दिया तो ये मारे तो नहीं गए होंगे, इनको एलिमिनेट भी नहीं करा गया होगा. एलिमिनेट करने का भी मतलब होता है उनको मार देना, राइट. सो ऑप्शन ए और सी, डी में हमारा फाइट बचा है. अब अगर उन्होंने सरेंडर करा होगा तो उनको क्या करा होगा? उनको अरेस्ट करा गया होगा, राइट. जैप डेस्ट्रॉय, हाँ, ओके, जैप नहीं आएगा. ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. उनको अरेस्ट करा गया होगा. देखो, हमारी आर्मी का एक असूल है, अगर कोई भी मिलिटेंट, कोई भी टेररिस्ट अगर वो सरेंडर कर देता है तो उसको नहीं मारते वो, राइट, ओके. मोस्टली डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन, राइट. जैप का मतलब यहाँ पे गो क्विकली, इसको कन्फर्म करिएगा जैप का मीनिंग जरा. एक जैप का मतलब होता है, शायद मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, एक जैप होता है, एक जैब होता है, और जैब का मतलब होता है दबोचना किसी को, टू पुट फोर्स ऑन समवन, राइट. बताइएगा, एक बार कंफर्म करिएगा, जैप और जैब का मतलब कंफर्म करिएगा, मुझे बताइएगा. तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट. क्वेश्चन नंबर 3, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा ऑन संडे कॉल्ड अपॉन. अब मुझे आप कॉल्ड अपॉन का मीनिंग भी बताएंगे, ठीक है.
called upon law students to engage in the practice of cause lowering and lowering and develop the idea of serviceability to law by taking up pro bono cases. अब pro bono cases कौन से cases होते हैं बताएगा कोई? Pro bono cases without Google, Google नहीं करेंगे. हाँ, called upon का मतलब होता है asked, ठीक है, या फिर to convene. To convene मतलब एक meeting बुलाना, to convene a meeting, right? He ask. Law by students to engage in the practice of cause lawyering and develop the idea of serviceability to law by taking up pro bono cases. ये pro bono cases वो होते हैं जिसको हम बोलते हैं gratis, मतलब एक gratitude के लिए, as a gratitude, free cases जो लड़ते हैं उसको बोलते हैं pro bono cases, right? Without any fee, ठीक है, to protect human dash of individuals and dash of underprivileged. हाँ, गुड गुड गुड, अच्छा लगता है जब आप पार्टिसिपेट करते हैं, ट्राई करते हैं, अपने एफर्ट्स दिखाते हैं, लिमिट्स को पुश करते हैं, राइट? और कोई दिक्कत नहीं अगर मुझे कोई गूगल करके बता रहा है तो, अगर एटलीस्ट आप सर्च तो कर रहे हो खुद से, राइट? हाँ सकर, तो आपको पता चल गया. ट्रेवेसिटी का मतलब क्या होता है ये बताइए अब. ट्रेवेसिटी, सबका आंसर सही आ रहा है. राइट्स इज द ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है यहाँ पे, राइट? ऑफ इंडिविजुअल्स एंड राइट्स ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड. ओके, इक्वानिमिटी का मतलब क्या होता है? इक्वानिमिटी एंड ट्रेवेसिटी, इन दोनों का मीनिंग बताएंगे. और आपसे पीछे जैप डिस्ट्रॉय, गुड 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 गुड. चलिए, इक्वानिमिटी, इसका मतलब होता है कामनेस, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पॉइज नेचर किसी का. अगर मैं काम की बात करूं, जिसको हम बोलते हैं सीरीन, सीरीन का मतलब होता है काम, राइट? पॉइज्ड या पॉइज, ठीक है, या फिर नॉन शैलेंस, जो हम पीछे पड़ा नॉन शैलेंस, कामनेस. तो यहाँ पे नाउन आएगा, एक मिनट, नॉन शैलेंट आएगा, नॉन शैलेंस नहीं आएगा, नॉन शैलेंट, सीरीन, काम, पॉइज, नॉन शैलेंट, इक्वानिमिटी, ठीक है, इक्विलिब्रियम जिसको बोलते हैं. इक्वानिमिटी का मतलब होता है एकदम बैलेंस्ड, ठीक है, शांत. ओके, तो कामनेस ठहराव जिसमें होता है. ओके, ट्रेवेसिटी का मतलब होता है शैम, किसी चीज का दिखावा करना या किसी चीज को जिसको हम बोल सकते हैं शो ऑफ करना, ठीक है, करप्शन. या फिर शैम का मतलब होता है थोड़ा सा धोखा, या फिर इसको धोखे के सेंस में भी हम बोलते हैं, ठीक है, धोखा या फिर करप्शन ट्रेवेसिटी का मतलब होता है. ओके, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन. यू विल गेट द पीडीएफ एंड यू कैन सी और यू कैन फर्दर रीड ऑल दीज एक्सप्लेनेशंस गिवन इन द प्रेजेंटेशन. और ठीक है, अ बैड सिचुएशन, हाँ ये भी हो सकती है, ठीक है. ओके, मोर चिल्ड्रन ग्रोइंग अप इन अ वर्ल्ड सो इंक्रीजिंगली डाइवर्स दैट स्टोक रेशियल आइडेंटिटीज नो लॉन्गर डैश. कॉल ऑफ आएगा, होल्ड अप आएगा, लीव आउट आएगा या ब्लो अप आएगा, बताइए. होल्ड अप, गुड. ब्लो अप का मतलब होता है फट टू एक्सप्लोड, ठीक है, जब बम फटता है, टू एक्सप्लोड. ओके, कॉल ऑफ का मतलब होता है टू कैंसल. द मीटिंग हैज बीन कॉल्ड ऑफ, राइट? मीटिंग हैज बीन कॉल्ड ऑफ, कैंसिल हो गई. लीव आउट होता है जब किसी को छोड़ देना वैसी, राइट? इजी. एंड होल्ड अप होता है, बताएगा कोई इसका मीनिंग? आंसर सही है वैसे, ठीक है. नो लॉन्गर होल्ड अप मतलब कि, होल्ड अप मतलब कि अपनी सिचुएशन को बरकरार रखना, राइट? ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, दैट विराट कोहली इज एबल टू होल्ड अप हिज पोजिशन एज वर्ल्ड नंबर वन, ठीक है, क्रिकेटर, आई कैन से. ओके, सो होल्ड अप का मतलब होता है अपनी पोजीशन को बरकरार रखना, अपना स्टैंड मेंटेन रखना, राइट? तो यहां पे बात करी गई है कि जो चिल्ड्रन है, मोर चिल्ड्रन ग्रोइंग अप इन अ वर्ल्ड सो इंक्रीजिंगली डाइवर्स, बिल्कुल एकदम एक दूसरे से डाइवर्स, दैट स्टोक रेशियल आइडेंटिटीज नो लॉन्गर, कि जो रेशियल आइडेंटिटीज हैं अभी वो थोड़ी सी कम हो चुकी है, राइट? नो लॉन्गर
होल्ड अप, ठीक है, वो अपनी पोजीशन को वैसे बरकरार नहीं रख पा रही, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। होल्ड अप का मतलब टू रिमेन स्ट्रॉन्ग और विग्रस, ठीक है, विग्रस मतलब जोशीला। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ प्लीजेंट स्पोकन यंग कॉन्स्टेबल अराइव्ड एट रिवरव्यू विद अ वारंट एंड आस्क्ड इफ ही माइट डैश द बोट। अ प्लीजेंट स्पोकन यंग कॉन्स्टेबल अराइव्ड एट रिवरव्यू विद अ वारंट एंड आस्क्ड इफ ही माइट डैश द बोट। गुड गुड गुड, बताइए फटाफट से इसका आंसर। टर्न अप आएगा, टेक डाउन आएगा, मेक आउट या लुक ओवर। मेक आउट, ओके, टेक डाउन, ओके। अब थोड़ा सा कष्ट करेंगे आप साथ में ना, मुझे इनका फ्रेजेस का जो ये इनका मीनिंग बताएंगे साथ में, राइट, इसका इसका जो भी आंसर दे रहे हैं जो, ठीक है। असीम तो बिल्कुल छोड़कर मैं ऑप्शन सी, मेक आउट, ओके। चलिए एक बार मीनिंग देख लें सबके, कोई बताने का कष्ट करेगा थोड़ा सा मुझे। टर्न अप का मतलब होता है टू बी प्रेजेंट, ठीक है, हाँ, टू अपियर, टर्न अप, आई कैन से टू अपियर। टेक डाउन का मतलब होता है जब पुलिस किसी को अरेस्ट करती है, टू अरेस्ट, या फिर मतलब एकदम से छापा मारना, टू रेड, उसको बोलते हैं टेक डाउन, ठीक है। टेक डाउन बोलते हैं ना, जब्त कर लिया, उसको पकड़ लिया, राइट, तो उस सेंस में हम बात करते हैं। मेकआउट मतलब किसी चीज के साथ में, जैसे इफ आई एम फाइंडिंग एनी डिफिकल्टी इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, या कोई मान लो एक सम सोल्व कर रहा हूं, ठीक है, सो आई एम एबल टू मेक आउट, ठीक है, मतलब मैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन से डील करने में सफल हुआ, सक्षम रहा, उस केस में हम मेक आउट का, हाँ, प्रोग्रेस इसको हम बोल सकते हैं, राइट, ओके। और लुक ओवर का मतलब होता है टू सर्च समथिंग, एक होता है लुक ओवर, एक होता है लुक आफ्टर। कलर चेंज करूं क्या पेन का, कर लेता हूं, थोड़ा अलग सा लग रहा है, ठीक है। लुक आफ्टर का मतलब होता है किसी की देखभाल करना, टू टेक केयर ऑफ समथिंग, राइट, टू टेक केयर, टू लुक आफ्टर। यहां पे लुक ओवर की बात करी गई है, लुक ओवर का मतलब होता है टू सर्च समथिंग, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, अगर कॉन्स्टेबल आया है, हाथ में उसके वारंट है, तो कुछ ढूंढ रहा होगा, राइट, सो उसने बोला कि इफ ही माइट लुक ओवर द बोट, ओके, बोट को सर्च कर सकता है या नहीं। ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, किसी का भी मुझे ऑप्शन डी नहीं मिला, राइट। लुक ओवर विच मीन्स क्विक इंस्पेक्शन ऑफ समथिंग, एक सर्वे करना, या टू सर्च समथिंग, राइट, इसको आप देख सकते हो टू सर्च समथिंग, राइट। टर्न अप का मतलब टू बी फाउंड स्पेशली बाई चांस आफ्टर बींग लॉस्ट, टू अपियर, है ना, एकदम से वो चीज मिल जाना, टू अपियर, राइट, स्पेशली कोई चीज अगर खो गई है, जैसे हमारा 10 का नोट अगर कई बार खो जाता है, राइट, अनफॉर्चुनेटली वो वापस मिल जाता है किसी पेंट की जेब में, पजामा की जेब में, सो एक अलग ही खुशी मिलती है, राइट। टर्न अप, तो उस केस में यू कैन से टर्न अप, राइट। टेक डाउन, जब पुलिस किसी को अरेस्ट करती है या कहीं पे रेड डालते, दैट इज टर्न अप। और मेक आउट मीन्स टू मैनेज विद सम डिफिकल्टी, मैनेज या फिर टू एबल टू परफॉर्म वेल इन एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी, ओके। चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। वी केम इन टू द थिएटर एट अबाउट 2 फॉर अ डैश, मैट केम इन एज वेल एंड ही वॉज स्ट्रगलिंग विद हिज वॉइस। आई बिलीव थोड़ा सा इजी है क्वेश्चन, अगर आपने मुझे आंसर बता दिया तो मैं थोड़ा सा समझूंगा कि थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आप कर लेते हो ऑप्शन को देख के। रन थ्रू, अब मुझे जेन्युइनली बताइएगा कि किस कितनों को पता है कि रन थ्रू का मतलब क्या है, जेन्युइनली, जिन्होंने भी आंसर करा है, स्पेशली अंशिका, खुशबू, टेल मी, डू यू नो द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्रेज रन थ्रू।
हाँ ठीक है। अगर किसी को इसका मीनिंग नहीं भी पता था, खुशबू ने बता दिया वैसे रिहर्सल ठीक है टू प्रैक्टिस ओके गुड। अगर मेरे मुझे मान लो इसका मीनिंग नहीं पता होता तो मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता और सोचता कि वी केम इन टू द थिएटर, थिएटर में किस लिए आता है कोई, प्रैक्टिस करने के लिए राइट। पुट आउट का मतलब क्या होता है, पुट अप का मतलब, फॉर अ पुट अप। रन अवे तो वेरी इजी, भाग जाना ठीक है। पुट आउट का मतलब होता है टू एक्सटिंग्विश, किसी चीज को बुझाना, स्पेशली आग को बुझाते हैं हम लोग है ना, टू एक्सटिंग्विश समथिंग। पुट अप का मतलब मुझे आप बताएंगे, रन थ्रू का मतलब होता है टू प्रैक्टिस, टू प्रैक्टिस या फिर टू रिहर्सल। पुट अप का मीनिंग एक बार चेक करिए, एक होता है पुट अप, एक होता है पुट अप विद। ओके, पुट अप विद, पुट अप विद का मतलब होता है टू बियर विद समवन या टू टॉलरेट। पुट अप का मतलब चेक करिए जरा, एक बार चेक करिए फ्रेज, इस फ्रेज का मीनिंग। ओके, पुट अप टू कंस्ट्रक्ट और इरेक्ट समथिंग। ओके, पुट अप टू कंस्ट्रक्ट और इरेक्ट समथिंग, इसको चेक करिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई सेंस, आई बिलीव दिस इज गोइंग टू बी द इजिएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। आई सेंस्ड द डैश ऑफ द आर्ग्यूमेंट, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली, ब्यूटी या फिर ब्यूटिफिकेशन, ब्यूटी। ओके, आई सेंस द ब्यूटी ऑफ द आर्ग्यूमेंट, इसमें कुछ समझाने वाला ज्यादा है नहीं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एट क्वेश्चन देखिए, द स्पीकर डिड नॉट प्रॉपरली स्पेस आउट हिज स्पीच बट वेंट ऑन डैश वन पॉइंट ओनली, फुल स्टॉप। गुड, कीप इट अप। द स्पीकर डिड नॉट प्रॉपरली स्पेस आउट हिज स्पीच, स्पेस आउट का मतलब क्या होता है बताइए। स्पेस आउट हिज स्पीच बट वेंट ऑन, और वेंट ऑन का मतलब क्या होता है, वेंट ऑन डैश वन पॉइंट ओनली, स्ट्रेसिंग, अवॉइडिंग, डिवोटिंग या फिर डिक्राइंग। स्पेस आउट मीन्स टू गिव ब्रेक। द स्पीकर डिड नॉट प्रॉपरली, गुड, मतलब थोड़ा सा होल्ड लेना स्पेस आउट है ना, स्पेस आउट का मतलब होता है होल्ड करना, थोड़ा सा, थोड़ा स्पेस देना या ब्रेक देना थोड़ा सा राइट। और वेंट ऑन का मतलब होता है कैरी ऑन है ना, वेंट ऑन, जैसे हम बोलते हैं ना, ये गो से बना एक्चुअली, गो ऑन हम बोलते हैं, गोन, यस गोन, 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 तो गो का फिर वेंट ऑन ठीक है, या फिर गोन ऑन भी कई बार हम होता बोलते हैं, बट बड़ा ही रेयर यूज करते हैं इसको तो राइट। तो वेंट ऑन पास्ट में चला गया, गो ऑन प्रेजेंट में चला गया, गो ऑन का मतलब कैरी ऑन, उस चीज को कंटिन्यूली, कंटिन्यूअसली करते रहना, परसिस्टेंटली करते रहना लगातार है ना। सो स्पीकर डिड नॉट प्रॉपरली स्पेस आउट हिज स्पीच बट वेंट ऑन, स्ट्रेसिंग इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, कि एक ही चीज पे वो बार बार स्ट्रेस करता चला गया। ओके, अवॉइडिंग तो वेरी इजी, आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो, डिवोट का मतलब होता है टू गिव डेडिकेटेड टाइम या है ना एफर्ट। डिक्राइंग का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, टू क्रिटिसाइज समवन, इसके काफी अच्छे अच्छे वर्ड है, क्रिटिसाइज हो गया, कंडेम हो गया, एक मिनट, कंडेम करना किसी को, क्रिटिसाइज करना, डेनाउंस करना, डेनाउंस का मतलब होता है वैसे त्याग देना ठीक है, सेंश्योर करना ठीक है। ओके, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं एक बार। ओके, सो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, ये कुछ इसके सिमिलर वर्ड्स, डेनाउंस, कंडेम, क्रिटिसाइज, सेंश्योर, रन डाउन, रन डाउन, ये अगेन याद रखिएगा इसको, इसका भागने से कोई लेना देना नहीं है, रन डाउन का मतलब होता है ऐसे समझ लो किसी को कुचल देना अपनी बातों से, किसी को क्रिटिसाइज कर करके ना कुचल देना उसको, रन डाउन।
लंबास्ट, डिप्लोर करना, डिप्लोर मतलब किसी को एक्सप्लोर करना, मतलब उसको बढ़ाना चढ़ा कर, बढ़ा चढ़ा के बताना उसके बारे में, राइट, और डिप्लोर करना उसके बारे में निंदा करना, ओके। डिस्पैरेज, डिस्पैरेज का मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट, तो स्पेशली यू कैन से क्रिटिसाइज करना, डिसरिस्पेक्ट, या फिर डेप्रिकेट, जैसे हम डेप्रिशिएट करते हैं किसी चीज़ की वैल्यू को, डेप्रिशिएट, राइट, तो डेप्रिशिएट से याद रखिए डेप्रिकेट। देखो या तो आपको करना है, बट थोड़े बहुत ऊटपटांग निमोनिक बनाइए, कैसे भी करके उसको ना अपने लिए सूटेबल करिए कि आप उसको लॉन्ग टर्म तक याद कर पाओ, ठीक है। जैसे ही आप ऑप्शंस को देखोगे वो दिमाग में आपके क्लिक कर जाएगा, ओके, जैसे डिस्पैरेज, ठीक है, ओके, डेप्रिशिएट से डेप्रिकेट कर लो, ठीक है, कुछ भी निमोनिक आप बना सकते हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यू मस्ट रिफ्रेन डैश सच एन एक्ट टू एट विद या फ्रॉम, यू मस्ट रिफ्रेन डैश सच एन एक्ट, रिफ्रेन फ्रॉम, गुड, सिंपल है, फिक्स प्रेपोजिशन रिफ्रेन के साथ में हमेशा फ्रॉम ही आता है, और रिफ्रेन फ्रॉम का मतलब होता है टू अवॉइड, ठीक है, या टू स्टे अवे, ओके, टू अवॉइड या फिर टू स्टे अवे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेट नीड्स टू अर्जेंटली डैश इट्स कॉस्ट स्ट्रेटेजी एज इट डज नॉट हैव इनफ फंड्स टू कंटिन्यू ऑपरेशंस फॉर मोर देन टू मंथ्स, कि उसको कॉस्ट की जो स्ट्रेटेजी है, मतलब उसको कॉस्ट कट करना पड़ेगा सो दैट जो फंड्स हैं वो थोड़ा सा सर्वाइव करने के लिए इनफ हो जाए, अदरवाइज उसके पास ज़्यादा फंड है नहीं, ही विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव मोर देन टू मंथ्स। सो क्या होगा, वर्कआउट, वार्म अप, वेक अप, टर्न डाउन, पीछे हमने पढ़ा था शायद से टेक डाउन, है ना, अब ये आ गया टर्न डाउन। आप मुझे अभी बताएंगे क्लास के जस्ट बाद में कि अगला सेशन किस चीज के ऊपर लेके आऊं, इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स विद थ्रू दी हेल्प ऑफ क्वेश्चंस, लाइक जैसे हमने स्पॉटिंग एरर कर रहे थे, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको, या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है आपको, बताइए, तीन ऑप्शन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक का पार्ट टू लेके आऊं, या फिर स्पॉटिंग एरर्स, बताइए। वर्कआउट, 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 फैंटेस्टिक, वर्कआउट का मतलब उसको सोल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा, यू हैव टू वर्कआउट विद योर प्रॉब्लम, राइट, कि क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है, ओके, ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। टेक डाउन का मतलब तो पीछे पड़ा हमने अरेस्ट करना, और टर्न डाउन का मतलब होता है टू रिजेक्ट, ओके, टर्न डाउन का मतलब होता है टू रिजेक्ट, ओके। चलिए फिर, सो ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन, एंड विद दिस क्वेश्चन आज का ही सेशन यहीं पे हमें समाप्त करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, ओके। और मीनू कहते हैं स्पोर्टिंग एरर, अंशिका स्पोर्टिंग एरर, खुशबू जी कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, अभी तक दो लोगों ने मुझे बोला है स्पोर्टिंग एरर के लिए, एनीवन एल्स वोटिंग के लिए कोई, ओके, सो ऐसे करते हैं कि हाँ ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव, सो अगले सेशन में ऐसे करते हैं थोड़े से स्पोर्टिंग एरर एंड थोड़े से आपके लिए फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है,
जितना हम आधे घंटे में 35 मिनट्स में कर पाएंगे आई विल ट्राई माय बेस्ट. ओके लेवल देखिए ठीक ही होगा एग्ज़ाम का, और वैसे भी जिस हिसाब से कंपटीशन है तो हम आपको अच्छे तरीके से ही तैयारी करनी पड़ेगी. आई विल से कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है इस पॉइंट पे. ठीक है, आपको पता है एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, गवर्नमेंट जॉब के लिए तो लोग है ना इतना ज़्यादा कंपटीशन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में. एंड आफ्टर कोरोना आई हैव पर्सनली फेल्ट दैट कि कंपटीशन एकदम से सर्ज करा, एकदम से बढ़ा हुआ. हो सकता है लोगों को पढ़ने का टाइम मिला घर के टाइम पे, है ना, मतलब घर पे वापस आ गए, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, सो उसके बाद से वो कंपटीशन एकदम से पीक कर गया. सो यू कांट लीव एनी स्टोन अनटर्न, अदरवाइज यू विल जस्ट एंड अप इन गेटिंग लाइक वेस्टिंग योर टाइम, राइट. अदरवाइज तैयारी करते रहो, यू विल गेट द जॉब. ठीक है, सो अगले सेशन में थोड़े से मिक्स क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर स्पोर्टिंग एरर एंड फिल इन द ब्लैंक्स. और फिल इन द ब्लैंक में मैं ट्राई करूंगा जो क्वेश्चन टैग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो, क्योंकि ईजिली आपको समझ एक बार आ गए तो फिर वो कभी नहीं आपके दिमाग से स्किप होने वाले. ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. तब तक ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए अच्छे से, एंड कीप योर मोटिवेशन हाई, बिकॉज अल्टीमेटली योर पेरेंट्स आर द बिगेस्ट मोटिवेशन दैट यू गोट इन योर लाइफ. टिल देन, नेक्स्ट सेशन तक, जय हिंद, जय भारत.